हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेड बायोगैन वंस अगेन। फ्रेंड्स, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे या फिर आपके आसपास में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत सारी अच्छी डाइट भी लेते होंगे, बहुत ज़्यादा खाना भी खाते होंगे, रेगुलर एक्सरसाइज भी करते होंगे, बहुत सारे सप्लीमेंट्स भी लेते होंगे, फिर भी उनका वेट नहीं बढ़ता है। और इस बात से भाई बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं क्योंकि उनकी बॉडी बहुत पतली दिखती है, भाई बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिखने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्यों उन लोगों का वेट नहीं बढ़ता है जो कि रेगुलर डाइट भी लेते हैं, बहुत ज़्यादा खाना भी खाते हैं, फिर भी उनका वेट क्यों नहीं बढ़ता है, क्या क्या उन लोगों को नहीं करना चाहिए और इसी के साथ क्या उन लोगों को करना चाहिए अपना वेट बढ़ाने के लिए ताकि उनका हेल्दी भी वेट बढ़े और इसी के साथ ईजिली वेट बढ़ जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि आप सारी वीडियो पहुंचती रहे और हमेशा स्वस्थ बने रहें। चलिए फ्रेंड्स, ऐसा मेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट आता है लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, या तो फिर बहुत कम खाना खाते हैं और अगर ज़्यादा खाना भी खाते हैं तो वह बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं, ऐसे लोगों का कभी भी वेट नहीं बढ़ता है। इसी के साथ काफ़ी सारे लोग एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करते हैं और फूड इंटेक उनका कम रहता है, मतलब कि उनकी हेल्दी कैलोरीज कम रहती हैं, तो उनका वजन तो आप जानते हैं कि अगर कैलोरीज नहीं मिलेंगी बॉडी को और वह ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे या फिर ज़्यादा किसी भी टाइप की मेहनत करेंगे तो कैलोरीज ज़्यादा बर्नआउट होंगे और उनका वेट गेन कभी भी नहीं होगा। फ्रेंड्स, दूसरा कॉज होता है वेट ना बढ़ने का हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म एक बीमारी है आपके थायरॉयड ग्लैंड की। अगर आपका थायरॉयड ग्लैंड बहुत ज़्यादा वर्क करने लगता है और उसमें से थायरोक्सिन नाम का केमिकल बहुत ज़्यादा निकलने लगता है, बहुत ज़्यादा हार्मोन है सीक्रेट होने लगता है, तो आपका मेटाबॉलिज्म बहुत तेज हो जाता है, बहुत उसकी रेट बढ़ जाती है वर्क करने की और है आपको भूख तो बहुत लगवाता है, आपको भूख तो बहुत लगेगी पर आपका वेट गेन नहीं होगा क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म बहुत हो गया है, एक्सक्रीट आउट बहुत ज़्यादा होगा पर आपके शरीर को खाना लगेगा नहीं, तो हाइपरथायरॉयडिज्म इसका दूसरा कारण हो सकता है। थर्ड पॉइंट आता है डायबिटीज़। फ्रेंड्स, जिन भी लोगों का वेट नहीं बढ़ता है उनको एक इंडिकेशन माना जाता है कि उनको शायद डायबिटीज़ हो सकता है क्योंकि जो शुगर का लेवल होता है ब्लड में वह बढ़ जाता है और खाना अच्छे से डाइजेस्ट भी नहीं होता है और बहुत ज़्यादा भूख लगती है, आपका खाना एक्सक्रीट आउट होता है, सिर्फ आपको भूख तो बहुत लगती है पर वह आपके शरीर में खाना लगता नहीं है। फोर्थ नंबर पर आता है GIT डिसऑर्डर्स। GIT मतलब होता है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, मतलब कि आपका ईसोफेगस से लेके एनस तक जितना भी एरिया होता है इस एरिया में कोई भी आपको डिसीज़ हो जाती है, चाहे वह क्रॉन्स डिसीज़ हो, आपको पेप्टिक अल्सर हो, ड्यूओडेनल अल्सर हो, गैस्ट्राइटिस हो, पेट में कैंसर हो या फिर किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है आपके GIT ट्रैक्ट में, तो आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है, काफ़ी सारे जो सीक्रीशंस होते हैं वह सीक्रेट नहीं होते हैं जिनके कारण आपका खाना डाइजेस्ट भी नहीं होता है और जब आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होगा आपके पेट में पड़ा रहेगा वो खाना तो आपको भूख भी नहीं लगेगी, तो अगर आपको भूख नहीं लगती है इसी के साथ आपका वेट भी गेन नहीं हो रहा है, आपको बहुत कमजोरी महसूस होने लगी है और अगर आपके पेट में जलन वगैरह रहती है तो आपको एक बार GIT डिसीज़ के बारे में सोचना चाहिए और उनका ट्रीटमेंट के लिए आपको पहले डायग्नोसिस जरूर करवाना चाहिए किसी भी अच्छे डॉक्टर के पास। फ्रेंड्स, फिफ्थ नंबर पर आता है आयरन या फिर विटामिन B12 की कमी होना। फ्रेंड्स, यह कोई डिसीजेस तो नहीं है बहुत बड़ी लेकिन अगर आपके शरीर में इन दो विटामिन या फिर मिनरल्स की कमी होती है तो यह आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकती है क्योंकि इससे आपको भूख ही नहीं लगेगी, आपको एहसास ही नहीं होगा कि आपको भूख लग रही है तो आप खाना खाएंगे ही नहीं और आपका शरीर नहीं पनप पाएगा। फ्रेंड्स, सिक्स्थ जो पॉइंट है वह मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि होता है स्ट्रेस और डिप्रेशन। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहता है फिर स्ट्रेस में रहता है तो या तो भाई बहुत ज़्यादा खाने लगता है और ओबेस्ड हो जाता है, पर एक कंडीशन ये भी बनती है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहता है तो भाई खाना खाना ही छोड़ देता है, उसको भूख ही नहीं लगती है और जब वह काफ़ी समय तक ऐसा करता रहता है, खाना नहीं खाता है, रेगुलरली बैलेंस डाइट नहीं लेता है तो उनका शरीर कमज़ोर पड़ने लगता है और बाद में जाके ग्रो नहीं होता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि हमें क्या चीज़ नहीं करनी है हमारा वेट बढ़ाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को जंक फूड का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। काफ़ी सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हम जंक फूड का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी बॉडी अच्छी हो जाएगी, मोटे हो जाएंगे हम और हमारा शरीर में वजन दिखने लगेगा, पर अगर आप जंक फूड्स के सहारे आप अपना वजन बढ़ाते हैं तो इससे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, जैसे कि आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट डिसीजेज हो सकते हैं और इवन कैंसर की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, कैंसर जैसी खतरनाक डिसीज़ भी आपको हो सकती है क्योंकि फ्रेंड्स होटल्स में जो ऑयल यूज़ होता है वह बार बार यूज़ होता रहता है और वह होता है ट्रांसफैट जो कि आपको बहुत ज़्यादा नुकसान करता है
और डेफिनेटली आपको कैंसर भी कॉज कर सकता है। तो आपको जंक फूड का तो सारा बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि हमें अपना वेट बढ़ाने के लिए सबसे हेल्दी और इजीली ऑप्शन क्या क्या मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको खाने के तुरंत पहले, मतलब कि 30 मिनट पहले और 30 मिनट बाद तक पानी नहीं पीना है, क्योंकि अगर आप खाने के पहले पानी पी लेते हैं तो आपके अंदर जो अग्नि प्रज्वलित होती है, जिसको हम SCL सीक्रेट होना ही बोलते हैं मॉडर्न लैंग्वेज में, तो वह सीक्रेट होना बंद हो जाता है और आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और वह वैसा का वैसा एक्सक्रीट आउट हो जाता है और आपके शरीर में खाना नहीं लगता है। और अगर आप 30 मिनट बाद भी पानी पी लेते हैं तो वह जो खाना आपने खाया है वह अच्छे से डाइजेस्ट ही नहीं हो पाता है, वह भी आपके एसिड बैलेंस को बिगाड़ देता है और आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा तो वह आपके शरीर को नहीं लगेगा और आपका शरीर कभी भी डेवलप नहीं हो पाएगा। फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट आता है कि आप लोगों को 3 मील के बीच में कुछ ना कुछ खाते रहना है, मतलब आप सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर लंच करते हैं, फिर डिनर करते हैं, इनके बीच में आपको गैप नहीं छोड़ना है, आपको कुछ कुछ खाते रहना है। जैसे कि आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, कुछ फ्रूट्स ले सकते हैं, कुछ जूस ले सकते हैं, मतलब कि आपको अपना कुछ ना कुछ खाते रहना ताकि आपका मेटाबॉलिज्म एक्टिवेट रहे और आपको कुछ ना कुछ खाने को मिलती रहे, आपको कैलोरीज अच्छी खासी मिलती रहे। आप हेल्दी चीज़ें खाइए, जैसे कि आप मखाने जो होते हैं उनको रोस्ट करके घी में खाते रह सकते हैं। इसी के साथ साथ आप लोग थोड़ा सा दूध का सेवन भी कर सकते हैं, कुछ जूस ले सकते हैं, कुछ फ्रूट्स ले सकते हैं, कोई से भी नट्स ले सकते हैं और इवन कोई से भी जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं उनका भी आप सेवन कर सकते हैं। उससे आपका वेट भी गेन होगा और आपका हेल्दी वेट गेन होगा। फोर्थ पॉइंट आता है कि आपको दूध और दूध से बनी चीज़ों का भी सेवन करना है, क्योंकि इसमें अच्छी खासी मात्रा में प्रोटीन भी होता है और कैल्शियम की भी अच्छी मात्रा मिलती है, जो कि आपकी बोन्स को भी मजबूत रखता है और आपको प्रोटीन से आपकी मसल्स को भी मजबूत बनाता है। फ्रेंड्स, इसी के साथ आप लोगों को एक बात का ध्यान और रखना है कि आप लोग जब भी खाना खाते हैं तो आपको थोड़ी बड़ी प्लेट में खाना लेना है, क्योंकि यह साइकोलॉजी ऐसी होती है हमारी कि अगर हम छोटी प्लेट में खाना लेंगे और उसमें पूरी प्लेट भर जाएगी तो हमारे दिमाग को ऐसा लगेगा कि हमारा बहुत ज़्यादा खाना हो गया है, बहुत प्लेट भर के हमने खाना खा लिया है और आपको भूख लगना बंद हो जाएगी। पर आप बड़ी डिश में, बड़ी प्लेट में खाना लेते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि हमने बहुत ज़्यादा भर के खाना खा लिया है और आप लोगों को लगे कि अभी मेरी प्लेट और खाली है और मेरे को थोड़ा सा और खाना चाहिए। फ्रेंड्स, इसी के साथ आप लोगों को बॉयल्ड आलू, बॉयल्ड शकरकंद, कॉर्न जैसी चीज़ें भी लेते रहना चाहिए, क्योंकि इससे आपको गुड कार्बोहाइड्रेट मिलता है। आप लोगों को बैड कार्बोहाइड्रेट भी काफ़ी सारी चीज़ों से मिलता है, जैसे कि चिप्स हुआ बाहर की बनी हुई और भी कई सारी चीज़ें जो कि बाहर वेपर्स मिलते हैं। तो आप लोगों को गुड कार्बोहाइड्रेट को अपनी डाइट में शामिल करना और बैड कार्बोहाइड्रेट को शामिल नहीं करना है। फ्रेंड्स, अब मैं जो लास्ट के 2 पॉइंट आप लोगों को बताने वाला हूँ वह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इन 2 चीज़ों को नहीं अपनाते हैं तो आपका जितना भी डाइट प्लान आप फॉलो कर रहे हैं, जिन भी चीज़ों को नहीं खा रहे हैं, जिन भी चीज़ों को खा रहे हैं, वह सबका सब बर्बाद चला जाएगा अगर आप इन 2 पॉइंट्स को फॉलो नहीं करेंगे। दोस्तों, सेकंड लास्ट पॉइंट है, आप लोगों को बहुत अच्छी नींद लेनी है। अगर आप लोग अच्छी नींद नहीं लेंगे तो आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट भी नहीं होगा और आपका डाइजेशन एकदम बिगड़ा हुआ रहेगा। इसी के साथ आपका माइंड भी अच्छे से वर्क नहीं करेगा, जिससे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे हो कि अच्छी नींद लेने से क्या होता है, तो अच्छी नींद अगर आप लेते हैं तो आपका डाइजेशन अच्छा रहता है, क्योंकि जितना डाइजेशन हमारा जागते समय, वर्क करते समय नहीं होता, उससे अच्छा डाइजेशन हमारा सोते समय होता है। इसी के साथ लास्ट पॉइंट है कि आप लोगों को रेगुलर एक्सरसाइज करना है। पर अब आप सोच रहे हो कि मैंने पहले बोला था कि एक्सरसाइज नहीं करना है ज़्यादा, पर फ्रेंड्स, अगर आप लोग रेगुलर थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं, मतलब कि आपको इतनी भी एक्सरसाइज नहीं करनी है कि जितना आप कैलोरीज इनटेक कर रहे हैं उससे ज़्यादा आप बर्न कर दे रहे हैं, तो आप लोगों को एक्सरसाइज करनी है, बहुत कम कम एक्सरसाइज करनी है, जिससे कि आपकी मसल्स में स्ट्रेस आएगा और वह बल्की हो जाएंगी। अगर आप लोग रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी मसल्स में बल्कनेस दिखती है और आपका शरीर भी ग्रो करता है। तो फ्रेंड्स, यह कुछ चीज़ें थी वेट गेन करने के लिए, कुछ चीज़ें इसमें से छोड़नी चाहिए थी जो मैंने आपको बता दी हैं, और क्या क्या चीज़ें आपको अपनानी है वह भी मैंने आपको बता दी हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को यह जानकारी पसंद आई होगी। अभी भी आपकी कोई भी क्वेरी से कोई भी डाउट है तो मैं आपसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको जल्द से जल्द करने की कोशिश करूँगा। चलिए, अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।